खबर रीवा जिले से है, जहां पूर्व बर्खास्त कैथा सरपंच संत कुमार पटेल की ग्राम इटाहा पड़ुआ और मिसिरा में स्थित आराजी में उसके 1/5 हिस्से में नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ तहसील मनगवा के आदेश के अनुसार प्रत्येक खसरे के कॉलम नंबर 12 में कुर्की आदेश के बाद भूमि बंधक दर्ज कर दिया गया है। गौरतलब है कि मामला ग्राम पंचायत कैथा जनपद पंचायत गगेओ में हुए व्यापक भ्रष्टाचार से संबंधित था, जिसमें लगभग 9 लाख रुपए की वसूली और कुर्की के आदेश के बाद पूर्व सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। बर्खास्त पूर्व सरपंच संत कुमार पटेल को न्यायालय, कलेक्टर न्यायालय, कमिश्नर और हाईकोर्ट जबलपुर से कोई राहत न मिलने के बाद अंत में कुर्की की कार्यवाही की गई है। रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत कैथा ग्राम पंचायत में हुए व्यापक भ्रष्टाचार से के संदर्भ में जांच हुई थी और जांच में जो तत्कालीन कैथा के बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल और सचिव अच्छेलाल पटेल, इनके विरुद्ध 17,92,000 के आसपास इनकी रिकवरी बनाई गई थी। इनके ऊपर FIR भी गढ़ थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद इनकी कुर्की की कार्यवाही चल रही थी। कलेक्टर रीवा के आदेश के उपरांत कुर्की की कार्यवाही के लिए न्यायालय, नायब तहसीलदार और तहसीलदार मनगमा वृत्तगढ़ में ये प्रकरण चल रहा था। 2 साल के बाद इसमें निराकरण हुआ है और हम आपको बता दें कि इस निराकरण में अभी संत कुमार पटेल जो बर्खास्त और पूर्व कैथा सरपंच थे, इनके जमीन पर बंधक दर्ज किया गया है कुर्की के आदेश के बाद में और इनके सभी खसरा में ये बात आ गई है और ये अभी का रिसेंट डेवलपमेंट है। और अब इस ज़मीन को न कोई खरीद सकता है, न इसको बेच सकता है, न इस पर ऋण लिया जा सकता है और ना ही किसी प्रकार से सहकारी समितियों के माध्यम से कुछ किया जा सकता है। ये जो ज़मीनें हैं उसमें हम बता दें, मिसिरा ग्राम की हल्का पड़ुआ की जो ज़मीन है 278 है, 279 है, 280 है और कैथा हल्का की इंटहा ग्राम की जो ज़मीन है वो 12/1/1, 21/1/2 और पड़ुआ हल्का की पड़ुआ ग्राम की जो ज़मीन है 386/1, 415/3, 416/1 एस पड़ुआ की ही 417/3 और 420/3 और अंत में ये 503/1, इन सभी में ये दर्ज हो गया। और इसमें जो लिखा है कालम 12 में, नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ के कुर्की आदेश प्रकरण क्रमांक 0001 R76/2021-22 आदेश दिनांक 10/1/2023 के तहत भूमि स्वामी संत कुमार पटेल के हिस्से की 1/5 भूभाग बंधक दर्ज। तो इस तरह से अब ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये जमीन जनहित में भी ये जारी हुआ है, कोई इसको खरीदे नहीं, कोई इसको यदि कोई बेचता भी है तो खरीदे नहीं और साथ में बैंक इसमें ऋण नहीं दे सकते, सहकारी समितियों से भी इसमें ऋण नहीं मिल सकता। तो इस तरह से रिसेंट इसमें डेवलपमेंट है। इनको 10 दिन का टाइम दिया गया है, 10 दिन में ये नहीं करते हैं तो इनके विरुद्ध फिर आगे की जो नीलामी की प्रक्रिया है वो की जाएगी।